तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सिंगल स्टोन का यूज़ करके ग्राफ्टेड प्लांट तैयार कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे दो रूट स्टॉक का यूज़ करके उस टेक्निक का जो सक्सेस परसेंट है और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश परमार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए रूट स्टॉक। ये हमने कैसे तैयार करना है वो हमने पिछले वीडियो में देखा, आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक अच्छी वेराइटी की साइन, ये हमने कैसे तैयार की है आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की एक ब्रांच, इसकी थिकनेस जो है वो पेंसिल साइज़ होना चाहिए और इसकी ये जो लीव्स है इनको हम यहाँ से हटा देंगे। इसके लिए लेंगे दोस्तों सिकेटर और सिकेटर से इनको हम हटाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों 7 दिन बाद हमारी ग्राफ्ट हो चुकी है तैयार। ये देखिए पत्तियों के जो डंठल थे वो झड़ चुके हैं और इसकी जो बड़ है वो भी एक्टिवेट हो चुकी है, तो हमारी सायन जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए तैयार है। इसके अलावा हमें चाहिए एक सिकेटियर हल्की फुल्की काट छाट के लिए और ग्राफ्टिंग करने के लिए एक शार्प ग्राफ्टिंग नाइफ और ग्राफ्ट को बांधने के लिए एक ग्राफ्टिंग टेप। सबसे पहले दोस्तों रूट स्टॉक की जो मेन रूट है उसको एक तिहाई हम काट देंगे जिससे कि फीडर रूट्स जो है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए। अब दोस्तों इनको बराबरी से लेके हम टेम्परेरीली बांध लेंगे ताकि जब हम ग्राफ्टिंग करें तो ये हमें दिक्कत ना दे। अब हम जो है अपनी ग्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो दोस्तों रूट स्टॉक को सिकेटियर की सहायता से 6 से 8 इंच ऊपर से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। दोनों को जो है सेम हाइट से कट करना है। इसके बाद हम लेंगे हमारा ग्राफ्टिंग नाइफ और इस तरीके से इसमें बीच से स्प्लिट करना शुरू करेंगे। तो उसको कट लगाते समय सावधानी रखें और कट जो है वो हमें कम से कम 3 से 4 इंच गहरा लगाना है। ये दोस्तों हमारा रूट स्टॉक पे जो कट है वो लग चुका है। दोस्तों साइन प्रिपेयर करते समय बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ग्राफ्ट के सक्सेस होने के लिए। और बिल्कुल आराम से ये ग्राफ्ट हमारी एक तरफ से तैयार हो चुकी है, दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके का हम चीरा लगाएंगे। ये देखिए हमारी साइन जो है दोस्तों वो परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रूट स्टॉक में बनाई हुई खांच में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लेंगे अपनी ग्राफ्टिंग टेप और उससे इसको लपेटना शुरू करते हैं। लपेटते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो साइन है वो अच्छी तरीके से लगी हुई हो। लपेटते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो ग्राफ्ट यूनियन है वो अच्छी तरह से एयरटाइट हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा फास्ट करेंगे वीडियो को। अंतिम सिरे को खींचते हुए अच्छे से गांठ लगा देंगे। इस प्रकार से दोस्तों देखिए हमारा ग्राफ्टेड प्लांट जो है वो बंध के तैयार हो चुका है। अब हम इसे पॉट या बैग के अंदर शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों इसके लिए हम अब जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने 1:1:1 रेशियो में लिया है, यानी कि एक भाग वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, एक भाग रेत और एक भाग मिट्टी, जबकि रूट स्टॉक जो हमने उगाया था पूरी तरह से प्लेन कंपोस्ट में उगाया था। अब दोस्तों ग्राफ्टेड प्लांट को इसके अंदर हम लगा देंगे। पौधे को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ना है, उसे हल्के हाथों से दबाते रहें ताकि उसमें जो हवा है वो निकल जाए। देखिए दोस्तों इसके बाद हमें इसे केपिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम लेंगे पॉलीथीन की केप और इससे हम जो है हमारी साइन उसको कवर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अच्छी तरह से पानी देने के बाद हम वेट करेंगे हमारे प्लांट के स्प्राउट होने का। तो दोस्तों 10 दिन हो चुके हैं
और 10 दिन के बाद देखिए इसमें एक हल्की सी स्प्राउट हमें देखने को मिल रही है। अब हम जो है वो कैप को हटा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्लांट जो है वो स्प्राउट हो चुका है। दोस्तों 15 दिन बाद देखिए हल्की सी इसमें पत्तियां बनने लगी हैं। दोस्तों आज हमारे प्लांट को हो चुके हैं पूरे 3 सप्ताह और देखिए काफ़ी शानदार ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, हमारे प्लांट को 1 महीना हो चुका है और ये हमारी डबल स्टोन ग्राफ्टिंग जो है वो सक्सेस हो गई है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे 2 रूट स्टॉक का यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल ग्राफ्टेड प्लांट तैयार कर सकते हैं। सिंगल स्टोन के कंपैरिजन में इसका सक्सेस परसेंट जो है वो 75 से 95% तक। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही गार्डनिंग से जुड़े और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।